तो गेम ऑफ थ्रोन्स फैमिली एक टीम ऐसी थी जिससे मुझे काफी चिर मचती थी और वो टीम है टीम ओमनी स्क्वाड। भाई साहब, इस टीम ने 2K23 में मेरा और टीम रोमन का यानी कि टीम WWE का जीना हराम कर दिया। तो भाई जो चीज शुरू होती है उसका खत्म होना भी जरूरी होता है, तो इसलिए आज टीम ओमनी स्क्वाड का लास्ट मैच होने वाला है 2K23 में, और इनफैक्ट टीम खतरू का भी लास्ट मैच होने वाला है। इसके बाद जो भी होगा वो 2K24 में ही होगा। तो चलो देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो भाई साहब, ये आखिरी मैच है, आखिरी जंग है, आखिरी ललकार है, तो देखते हैं कि इस आखिरी जंग में कौन जीतता है। तुझे एक बात पता है अमन, मूवी के स्टार्टिंग में क्या हो, बीच में क्या हो, किसी को याद रहे ना रहे, लेकिन क्लाइमेक्स सबको याद रहता है। तो भाई ये इस वाले वीडियो को तुम लोग ऐसा क्लाइमेक्स मान लो, टीम खतरू वर्सेस टीम ओमनी स्क्वाड का। वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स ने जब ओमनी स्क्वाड को निकाला था तब ये नहीं सोचा था कि तुम लोग को इतना पसंद आएगा और तुम लोग इतना प्यार दोगे। तो चलो आज इस वीडियो पे भी प्यार देना और लाइक कर देना भर भर के। तो भाई 2K23 का आखिरी मैच टीम खतरू वर्सेस टीम ओमनी स्क्वाड, थप्पड़ से ललकार चालू हो चुकी है। बहुत दिन बाद, काफी दिनों के बाद थप्पड़ की गूंज सुनाई दी है। भाई ये लौंडा बाप से ज्यादा तो ये लौंडा उछलता है, और उसका ये चाचा, बाप रे बाप, एक बार कोने में धरा जाए फिर बताएगा ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर फिनिशर लगाने वाला है। भाई उमंग ने बोला कोने की बात करता है उमंग, और तुम कोने में पकड़ा जाते हो। इनविंसिबल एलिमिनेट मत हो जाना बस। भाई ब्रॉक लेसनर से मुझको याद आया यार, अफसोस की बात है कि 2K24 के मेन रोस्टर में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर नहीं है, लेकिन सैड होने की कोई बात नहीं है क्योंकि कम्युनिटी क्रिएशन जिंदाबाद। तो हो सकता है कि ये ब्रॉक लेसनर यानी कि 2K के ऑफिशियल ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच हो, नहीं इसके बाद भी हम लोग मैचेस करेंगे, पर एज अ टीम खतरू का मेंबर तो ब्रॉक लेसनर तुम पहले ही एलिमिनेट हो जाना। अभी क्या करोगे फिर, हो गया मैच। मेरे दिल में ना एक क्या बोलते हैं जज्बात उमड़ रहा है। मैं सोच रहा हूं यार, ये जो जितने भी दिन बाकी हैं 2K23 में, मैराथन कर दिया जाए ब्रॉक लेसनर का, द बीस्ट इनकार्नेट ट्रिब्यूट टू द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। तो यार उमंग का ये जो आइडिया है एज अ ब्रॉक लेसनर फैन, मेरे को सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक काम करो, तुम लोग भी अपना अप्रूवल दे दो। 50 कमेंट्स नहीं, ये कुछ कम हो जाएंगे ब्रॉक लेसनर के नाम पे। 100 कमेंट्स ब्रॉक लेसनर के नाम पे आया तो ब्रॉक लेसनर का 2K23 मैराथन चालू हो जाएगा। तो भाई ट्रिब्यूट टू ब्रॉक लेसनर, मैराथन शुरू होने वाला है ब्रॉक लेसनर का। लेकिन फिलहाल देख ले किस मैच की क्या हालत चल रही है। इनविजिबल का हेल्थ और कम है और ब्रॉक लेसनर का काफी कम हो गया। ब्रॉक लेसनर एक थप्पड़ में चले जाने वाला है उमंग, तुमको समझ में आ रहा है। हेल्थ ब्रॉक लेसनर की काफी कम है और ओमनी मैन के पास उसका थप्पड़ वाला फिनिशर है। भाई देखो ब्रॉक लेसनर का जैसा हालत चल रहा है ना, ब्रॉक लेसनर पे ये डायलॉग एकदम सूट करता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हाँ, विंस मैकमैन से लगता है। भाई विंस मैकमैन ने क्या कांड कर दिया, और साथ में खुद तो लपेटा है, ब्रॉक लेसनर को भी लपेट लिया। वी मिस यू द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। भाई दूसरा थप्पर पड़ चुका है, लेकिन ब्रॉक लेसनर काफी जोश में है, क्योंकि शायद ब्रॉक लेसनर को भी ये पता है कि ये उनका आखिरी सफर है, ऑफिशियल ब्रॉक का आखिरी सफर है। हाँ, क्योंकि हेलमेट नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि कम्युनिटी क्रिएशन तो जिंदाबाद है ही, अपने को तो मिल ही जाएगा और तुम लोगों को भी देखने के लिए मिल ही जाएगा। पर हो सकता है कि ऑफिशियल ब्रॉक जो कि गेम वाले डालते हैं उनका आखिरी सफर हो 2K23 में। देखो अभी क्या होता है। बीस इनकार्नेट आज जोश दिखा दे, कल से ब्रॉक लेसनर का, कल से जब तक 2K24 नहीं आएगा द बीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का मैराथन चालू रहेगा। यार मैं ब्रॉक लेसनर की जगह पे होता ना तो पता है क्या करता, मैं अपना खुद का फ्रेंचाइज गेम निकाल देता, ब्रॉक लेसनर हियर कम्स द पेन पार्ट 2। तो भाई खुद का गेम। अब ओ भाई इतनी जज्बात में सेबल निकालने दे देगी यार, क्या करें। अरे बिल्कुल निकाल देता मैं, इसमें सेबल को भी तो जनरल मैनेजर रखता है, ऐसा नहीं है। और एकदम मेरा ओवरऑल यानी कि ब्रॉक लेसनर का ओवरऑल 200, बाकी सब का 80-80। ब्रॉक लेसनर की हेल्थ बहुत कम है भाई, कभी भी किसी भी वक्त ब्रॉक लेसनर जा सकता है, लेकिन बहुत बर्दाश्त कर लिया है ब्रॉक ने। थ्रैक आ चुका है, अब इसकी बर्दाश्त की लिमिट खत्म होने वाली है, क्योंकि थ्रैक का जो फिनिशर है उसको खाने के बाद आराम से एलिमिनेट हो सकता है। फिनिशर लगा दे थ्रैक, यार इतना वेट मत कर, बच गया है वो, पीछे देख भाई। इट्स टाइम फॉर सुप्लेक्सिटी, सुप्लेक्सिटी। नहीं, थ्रैक को ना सुप्लेक्स लगाना काफी मुश्किल होने वाला है बीस्ट इनकार्नेट के लिए, और एक्चुअली वो वीडियो में एक बार ये ट्राई भी कर चुका है पर लगा नहीं पाया। सिग्नेचर है भाई, लगा सकता है। जॉन सिना को देख के बहुत गलती कर रहा है। बीस इनकार्नेट ब्रॉक ने अपने सबसे बड़े ओपोनेंट रोमन रेंस को टैग दे दिया है। अच्छा, रोमन रेंस का अपडेटेड मॉडल 2K24 वालों ने डाल दिया है, वो जो बिखरे हुए बाल है रोमन रेंस के, रेसलमेनिया 39 के वो भी डाल दिया, उसको अनलॉक करना पड़ेगा। आई गेस 30 years ऑफ रेसलमेनिया खेल करके वो हम लोग खेल लेंगे, इसका टेंशन मत लो भाई। 2K24 बहुत जल्द आने वाला है, और गेमर्स और फैमिली तुम लोग सपोर्ट करो यार, क्या कर रहे हो, रोड टू 40K गेमर्स, करो यार 40K जल्दी से।
यार रोमन कैसे पिन नहीं होने वाला है थ्रैक, तुम इससे ट्राई मत करो, तुम्हारे पास फिनिशर है, फिनिशर लगाओ। किस लिए दिया फिनिशर तुमको? रोमन के पास सिग्नेचर ऑफ फिनिशर आ चुका है और रोमन ने मूव टिप का इस्तेमाल किया। क्या दिमाग यार, इसलिए मैं बोल रहा था थ्रैक को, यार मूव यूज कर लो अपना इससे पहले कि तुम्हारा खुद का मूव द ट्राइबल चीफ रोमन एक्स यूज करे। मेरा तो आज पूरा ध्यान जानता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर पे है भाई, ग्लिटिन लगा दिया है, थ्रैक की हेल्थ पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। हेल्थ डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ऐसा लगा ना कि थ्रैक एलिमिनेट होने वाला है, बस एलिमिनेट मत हो जाना भाई। ट्राइबल चीफ रोमन एक्स ने क्या हालत की है थ्रैक की, तू देख ले, एक फिनिशर और आई थिंक थ्रैक टाटा बोल देगा। थ्रैक सिग्नेचर फिनिशर लेकर क्या, तेरा एक सिग्नेचर फिनिशर काफी होगा रोमन एक्स को एलिमिनेट करने के लिए। भाई काफी होगा या चाय होगा वो सब तो हम लोग बाद में देखेंगे। ये देख ओमनी मैन के भी पीछे पड़ चुका है रोमन एक्स। अगर तुम लोगों को याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इस ओमनी स्क्वाड का जो मिथ है ना कि ये अनडिफीटेड है, उसे खत्म किया था। अरे याद दे दिया फिनिशर, बाद भी कंप्लीट होने दे टीम खतरों ने और इसी का बदला F5। अच्छा ये इसने ब्रॉक का फिनिशर चोरी करके कैसे लगा F5 भाई, ये ब्रॉक को मॉक कर रहा है। 1-2 ब्रॉक लेसनर को बोल रहा है कि तू तो नहीं रहेगा 2K24 में, लेकिन मैं F5 लगाऊंगा। ये तो भाई लगा दिया थप्पड़, रोमन एक्स एलिमिनेट नहीं हुआ। यार तुम लोग कितने फिनिशर खा रहे हो, टीम खतरू आज लास्ट मैच है तो इसका क्या मतलब है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाओगे क्या भाई? ये क्लाइमेक्स मैच है और क्लाइमेक्स मैच में हमेशा हीरो की टीम ही जीतती है, तो हीरो विलेन विलेन है नहीं भाई साहब, नहीं जो है ना भाई, जो रोमन की टीम है वो विलेन है भाई, क्लियर। जॉन सीना अपने आप में एक हीरो है पर वो रोमन की टीम में आके करप्ट हो चुका है। तो भाई आजकल तो एंटी हीरो का जमाना चल रहा है, तो इनविंसिबल जा सकता है, बच गया इनविंसिबल। यार तू भी होल्ड करके रख, थ्रैक और इनविंसिबल की हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है, ओमनी मैन ही अपनी टीम में फुल हेल्थ के साथ खड़ा हुआ है और ओमनी मैन ही काफी खतरनाक है। बहुत बार ओमनी मैन ने 1v3 किया है, इस बात को इनकार कोई नहीं कर सकता भाई। और एक्चुअली ओमनी मैन ही एक ऐसा प्लेयर है जिसने पहली बार अपना टावर कंप्लीट किया था विदाउट एक भी लाइफलाइन यूज किए हुए। अगर वो वाली स्ट्रीम देखी नहीं तो जाकर चेकआउट कर लेना, बच जाना छोटू। गया, टाटा बोल दो यार, ये लौंडा ही बेकार है। पता है ओमनी मैन का नाम डुबाने के लिए आया, ब्रॉक लेसनर ने F10 भी बचा लिया, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी मैटर हो चुका है सीरियस। तो द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर भी अपने मैराथन के नाम से काफी जोश में है, तो तुम लोग भी जोश में हो जाओ और लाइक शेयर कमेंट कर दो यार, ताकि हम लोग कल से ब्रॉक लेसनर का मैराथन शुरू कर सके। तो ब्रॉक लेसनर के मैराथन के लिए अगर तुम लोगों को याद नहीं होगा तो हम लोग 100 कमेंट्स का टारगेट दिए, 100 कमेंट्स पे जाओ और ब्रॉक लेसनर का गेमर्स वॉर्ड पे कल से मैराथन चालू हो जाएगा, जैसे कि जॉन सीना का अभी मैराथन चल रहा है। थ्रैक तेरे पास सिग्नेचर है, वेस्ट मत करना भाई। जॉन सीना ने अपना मोमेंटम इस्तेमाल कर लिया, ये स्पीयर यार, ये लोग चोर है, एक नंबर के चोर है, कोई स्पीयर दे रहा है, कोई F5 दे रहा है, हद चोर है भाई। शुक्र मनाओ वेल्ट्रोमाइट्स अपने पावर्स यूज नहीं कर रहे हैं, शुक्र मनाओ। अगर लेजर वेजर छोड़ने लगे ना तो फिर बाद में तो रोने लगोगे तुम लोग, ये गलत मत करो फिर भाई। इनविजिबल एलिमिनेट हो गया है, आखिरी मैच में क्लाइमेक्स में टीम WWE ही जीत के जाएगी और चिल्लाएगी दिस इज आवर यार्ड भाई। जॉन सीना को एलिमिनेट, F10 पड़ गया। अब जॉन सीना हो सकता है नहीं, जॉन सीना की हेल्थ काफी ज्यादा है, नहीं लगा ही था जॉन सीना कहां से अभी एलिमिनेट हो जाएगा। जॉन सीना के पास अब सिग्नेचर आ जाएगा, मैं तो बता रहा हूं इस थ्रैक को इसका मूव देके ही एलिमिनेट करो तभी मजा आएगा। रोमन एक्स को टारगेट को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं है, उसकी हेल्थ जा चुकी है, एक्चुअली सबकी हेल्थ जा चुकी है सिवाय ओमनी मैन को छोड़कर के। भाई ओमनी मैन भी फंसेगा मैं बता रहा हूं, लो थ्रैक के मार का जवाब जॉन सीना ने दिया है ओमनी मैन को, कूट के कूट दे यार। ओमनी मैन का बॉडी ऑरेंज कर दिया जॉन सीना, यार उसको लीगल तो होने देते। जॉन सीना तुम क्यों चीटिंग कर रहे हो? जॉन सीना थ्रैक को एलिमिनेट कर, जॉन सीना के पास क्या है सिग्नेचर, मैं तो बता रहा हूं मूव टिप दे दे इसे, बिल्कुल सही मौका है मूव टिप। ये जानबूझ करके मार खाने वाले काम कर रहा है थ्रैक, तू अभी ये तू जानबूझ के कर रहा है। थ्रैक भी समझ चुका है कि इसके साथ कुछ नहीं होने वाला और ये बहुत जल्द एलिमिनेट होगा। अरे नहीं यार मोमेंटम, अच्छा चलो थ्रैक के पास थोड़ा सा मोमेंटम आ चुका है और फिनिशर तो है ही, खैर एक फिनिशर लगा दे जॉन सीना एलिमिनेट हो जाएगा। लगा दिया जॉन, बचा था, बच गया जॉन सीना, बिल्कुल सही यार। कुछ ज्यादा ही फिनिशर तुम लोग अडैप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब 2-4-5 फिनिशर तो खा ही चुके हो। जॉन सीना जानता है मूव थीप के चक्कर में था, मोमेंटम खाली हो गया जॉन सीना का। हाँ चलेगा ये चल सकता है क्योंकि फिनिशर भी है जॉन सीना के पास और मूव थीप के चक्कर में कहां था थ्रैक के पास, तो मूव थीप ही नहीं, मूव ही नहीं, फिनिशर ही नहीं, फिनिशर था ना मूव थीप देने के चक्कर में। अच्छा ओके, जो थ्रैक ने दे दिया फिनिशर। ओमनी मैन एक मूव के बाद तेरे पास भी फिनिशर आ जाएगा, जॉन सीना को एलिमिनेट कर दे। जॉन सीना ओमनी मैन को फिनिशर लगा दे भाई, ये काफी खतरनाक है, काफी तंग कर सकता है हमारी टीम को,
किसे बुला रहा? रोमन रेंस वर्सेस ओमनी मैन। फिनिशर है रोमन रेंस के पास, फिनिशर बचा लेना। हाँ भाई साहब, फिनिशर लगते लगते बचा है। लेकिन कोई बात नहीं, कब तक खैर मनाएगा, कब तक छुपोगे भिंडी बाजार में? आजा भाई। बचा लिया रोमन ने, बचा लिया। उसके पास स्पीयर और गिलिटिन है ओमनी मैन बच करके। लगता है स्पीयर पड़ने वाला है, स्पीयर बच चुका है। ओमनी मैन सरवाइव कर गया, ओमनी मैन सरवाइव कर गया, एलिमिनेट नहीं हुआ ओमनी मैन। तो भाई एक हेल्थ में कैसे एलिमिनेट होगा भाई, एक ही स्पीयर में कैसे एलिमिनेट? यार मोमेंटम क्यों यूज कर लेते हो ओमनी मैन? अभी अच्छा खासा एफटे लगा देते, फिनिशर आ गया। रोमन रेंस के पास सिग्नेचर भी आ चुका है, कभी भी सिग्नेचर पड़ सकता है ओमनी मैन को। रोमन रेंस को उठा करके फिनिशर लगाओ। हाँ रोमन अगर फिनिशर बचा लिया तो मजा आएगा। थप्पड़ ओपी पर एलिमिनेट नहीं हुआ यार, कोई खतरों टीम में से कोई भी एलिमिनेट होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। ये दोनों बेशरम भी थ्रैग और अरे यार बच गया, मूव टिप आने वाला है। दे रहा है रोमन रेंस और फिनिशर ही नहीं है तो क्या मूव टिप? अरे और वैसे भी आई थिंक ओमनी मैन का मूव टिप यूज हो चुका है ना। हाँ यूज हो चुका है ओमनी मैन का मूव टिप। किसे दिया था पता नहीं, याद नहीं है, पर एक्चुअली यूज हो चुका है। थ्रैग तो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। रोमन रेंस कुछ ज्यादा ही नहीं कुटा गए भाई, बहुत ज्यादा ही कुटा गए। आप फिर सिग्नेचर दे रहा है, सिग्नेचर बचा ले रोमन ने। सिग्नेचर बचा, इससे बेटर तो कोई मूव बचा लेते यार। वाओ ओमनी मैन की हेल्थ पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है। थ्रैग बचा ले यार, तेरे ही प्लेनेट से है वो। क्या अब मुझे लगता है कि एक स्पीयर या एक गिलिटिन और चला जाएगा। थ्रैग को फिनिशर मत देना रोमन, इसे बाहर कर रिंग के। ये थ्रैग को फिनिशर दे दो और थ्रैग तू फिनिशर बचा ले रोमन का, तब आएगा मजा। रोमन ने थ्रैग की भी एनर्जी कम कर दी है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को खत्म करे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेस्टर। मैं ये चाहता हूं भाई, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेस्टर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं, और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि ब्रॉक लेस्टर WWE में तो नहीं आ रहे, क्योंकि इस बार का रेसलमेनिया का ब्रॉक लेस्टर का प्लान होने वाला था गुंथर वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेस्टर, जो कि काफी अच्छा मैच होता। वो मैच मिस हो गया यार हम लोगों से भाई। ब्रॉक लेस्टर के मैराथन में ब्रॉक लेस्टर का सारा जलवा देखने को मिलेगा, तो इसलिए तुम लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई #TheBeastIncarnateOP। हाँ ब्रॉक लेस्टर के नाम पे तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस 100 कमेंट्स होने चाहिए। लो भाई दूसरा एलिमिनेशन के लिए जा रहा है ब्रॉक लेस्टर, और ये दूसरा एलिमिनेशन। सुप्लेक्स सिटी लगा दिया ओमनी मैन को, और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इनविजिबल को भी ब्रॉक ने ही एलिमिनेट किया था भाई। ये दूसरा एलिमिनेशन बच गया, सर्वाइव कर गया ओमनी मैन पर। आई थिंक ये फिनिशर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आई थिंक इसका मोमेंटम नहीं बचा लेगा थ्रैग निकम्मा। ब्रॉक लेस्टर कम ऑन ब्रॉकी, दूसरा एलिमिनेशन भी तुम ही करो यहाँ पर। यार ये फिनिशर लगा देगा, फिनिशर बचा लिया ओमनी मैन ने। ओमनी मैन थप्पड़ है तेरे पास, भूलना मत। ब्रॉक एलिमिनेट मत होना प्लीज यार, मैं चाहता हूँ कि आज तुम रिंग में रहो, एलिमिनेट मत होना। थप्पड़, ब्रॉक लेस्टर को थप्पड़ पड़ने वाला है अगर पड़ गया। एलिमिनेटेड द बीस्ट इनकार्नेट एलिमिनेट हो चुके हैं, अब ये फाइट 2v2 की हो चुकी है। फिर से लीगल रोमन रेंस है, और रोमन रेंस नीचे स्टंट पर हुआ है, ये चीटिंग हो रही है। थ्रैग नीचे आ जा, देख ये चीटिंग है, सिर्फ 5 का काउंट आउट है। अरे थ्रैग नीचे जाने की क्या जरूरत थी, रोमन इसको रेफरी जल्दी जल्दी गिन भाई। ब्रॉक लेस्टर तो यहां से जा रहा है, लेकिन तुम लोग ब्रॉक के मैराथन के लिए तैयार हो जाओ भाई, कभी भी होने वाला है। तो भाई रोमन रेंस एलिमिनेट करो, सेकंड एलिमिनेशन। यार तू अभी यार ये हंसने के चक्कर पे रह गया यार, क्या कर रहे हो थ्रैग तुम भाई? ये आ रहे हैं यार, स्पीयर से बच गया। अपने को चाहिए एक फिनिशर, सिर्फ एक फिनिशर, रोमन रेंस भी एलिमिनेट हो सकता है। तो भाई ये 2v2 का मैच हो चुका है, थ्रैग के पास क्या है? थ्रैग के पास फिनिशर है, गुड, भाग गया थ्रैग। ओमनी मैन को डायरेक्ट एलिमिनेट करो, ये खतरनाक। ओमनी मैन को अगर स्पीयर पड़ गया ना एलिमिनेट हो जाएगा। रोमन स्पीयर के चक्कर में है ओमनी मैन, क्या कर रहे हो? और लगता है कि अब थ्रैग भी रोमन के हाथों एलिमिनेट होने वाला है। थ्रैग फिनिशर लगा दे, रोमन आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। गया थ्रैग भाई, कभी भी थ्रैग ने भी बचा लिया। एक स्पीयर और थ्रैग एलिमिनेट, और एक थ्रैग का फिनिशर, रोमन भी एलिमिनेट आराम से। मैं भी देखते हैं फिनिशर भाई साहब। रोमन बचाना पड़ेगा, ये मूव थीव लगा दिया। एलिमिनेट मत होना रोमन प्लीज, रोमन एलिमिनेट हो चुके हैं। जॉन सीना वर्सेस थ्रैग, तो लगता है कि इनविजिबल को ब्रॉक ने एलिमिनेट किया, ओमनी मैन को रोमन ने, और आई थिंक अब थ्रैग को जॉन सीना बचा। थ्रैग मेरे लाल गया, क्या सीन भाई, ये लोग मिल बांट करके खाया है ओमनी स्क्वाड को, मिल बांट करके। तो भाई क्लाइमेक्स में टीम WWE ने टीम ओमनी स्क्वाड को बता दिया है कि 2K23 के किंग यही है, अब आ जा तू 2K24 में। तो चलो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, और ब्रॉक का मैराथन आने ही वाला है, तो 100 कमेंट्स ब्रॉक लेस्टर के नाम पे तो भाई कर देना। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, गुड बाय, सी यू एंड नेवर ट्राई दिस एट होम, टाटा बाय बाय।